नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम देखेंगे जेक्मी का JM P18 प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर टूल सेट, जिसकी जगह आप अपने डू इट योर सेल्फ DIY टूलबॉक्स में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसकी क्या खूबियां है और क्या कमियां हैं, इस पे नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। इस टूल बॉक्स का जो कैरी केस है वो दिखने के लिए बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये कैरी केस ऑक्सफोर्ड, ये वाटरप्रूफ है और यूज़ करने के लिए बहुत ही रफ एंड टफ है। इसमें आपको दो ट्वीज़र्स मिल जाते हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने इनको बेंड करने का ट्राई किया, नहीं हो पाए। इसके साथ में आपको प्लास्टिक के 5 क्वांटिटी ओपनर्स मिल जाते हैं, जो बहुत ही पतले हैं साइज़ में, इसकी वजह से आसानी से आप कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आपको डबल साइडेड है स्टील, वो रफ एंड टफ है, सॉलिड है और बेंड नहीं होता है। स्क्रू ड्राइवर का जो कंटेनर है वो आपको एल्यूमिनियम के मटेरियल में मिलता है, जिसमें कुल मिला के आपको 48 बिट्स मिल जाते हैं, जो कि मैग्नेटिक है और आसानी से अपने अपने जगह पे बने रहते हैं। टेस्ट करने के लिए दोस्तों मैंने इसे ज़ोर से झटका दे के ट्राई किया, तो मैंने ये पाया कि अगर आप इसको ज़ोर से हिलाते हो, ज़ोर से झटका देते हो, तो आपके स्क्रू ड्राइवर के जो बिट्स है वो गिर जाते हैं, बट वही हल्के झटके में आराम से ये अपने अपने जगह पे बने रहते हैं और गिरते नहीं हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है इसका स्क्रू ड्राइवर, जो कि टॉप पे इसको आप जो घुमा सकते हैं उसका जो टॉप एज है वो घूमता है, और दूसरी चीज़ है ये पकड़ने में बहुत ही ग्रिपी है, हल्का है। आप लंबे समय तक इसको अगर हाथ में लेके काम करते हैं तो आपको ये बोझ की तरह नहीं महसूस होगा। इसकी वजह से ये बहुत ही ख़ास स्क्रू ड्राइवर सेट बन जाता है, और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसे ख़रीदिए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप इस स्क्रूड्राइवर बॉक्स को ख़रीद सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही खास वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।